अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म के जरिए पहली बार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। इस फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चा जोरों पर है। कभी तो फिल्म का बजट चर्चा का विषय बन जाता है, तो कभी फिल्म की कहानी या फिर फिल्म में काम करने वाले सुपरस्टार्स। लेकिन इस फिल्म को लेकर सबसे खास बात तो ये है कि फिल्म ब्रह्मास्त्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म है। ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म से हर किसी को उम्मीदें होंगी। और बात करें अयान मुखर्जी की, तो अयान के लिए भी ये खास फिल्म है। 9 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी अब तक अच्छी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि पहले दिन फिल्म की कमाई 25 करोड़ के पार जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच जो बात हर किसी को परेशान कर रही है वो ये है कि अब बॉलीवुड सिनेमा का एक तरह से बुरा वक्त चल रहा है और एक के बाद एक फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। तो क्या ब्रह्मास्त्र सुपरहिट साबित होगी? क्या ये फिल्म दर्शकों के दिलों में खास जगह बना पाएगी? यह बॉयकॉट ट्रेंड से फिल्म आगे निकलकर हिंदी सिनेमा जगत के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से फिल्म का विरोध चल रहा है सबके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के लिए रणबीर, आलिया, अयान जब उज्जैन पहुंचे तो कुछ लोगों ने विरोध करके उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का विरोध शुरू हो गया है। तो वहीं आगरा में भी हिंदूवादी नेताओं ने मूवी का विरोध करना शुरू कर दिया है। शहर के राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ऐलान है कि जो मूवी देखने जाएगा उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। साथ ही हिंदूवादियों का यह भी आरोप है कि फिल्म के कलाकार और डायरेक्टर पहले एक गलत बयान दे चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ फिल्म के लिए कुछ लोग मिलकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का नारा भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में फिल्म को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो सब मिला जुला एक परिणाम है। पर स्टार्स अपनी तरफ से फिल्म को सुपरहिट करने में अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और आलिया प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना यह होगा कि इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद अब ये फिल्म क्या रिजल्ट लेकर आती है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 44। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।